नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं PI का कफन यानी कि टोलनपाइराइड 15EC के बारे में, कि किस तरह उसने मिर्ची में वायरस को कंट्रोल किया और कैसे वो वैश्विक तौर पर किस लिए बनाई गई थी और क्या उसका उपयोग था और क्यों हमने उसको मिर्ची में वायरस को कंट्रोल करने के लिए लिया गया। तो ये जो दवाई है ये कैसे काम करती है और कैसे आगे भी काम में आने वाली है, तो चलिए जानते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे PI के कफन के बारे में, तो यानी कि ये वैसे देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला है वो टोलनपाइराइड 15EC है, जो बहुत सारे ब्रांड में आपको मिल जाएगा देखने को। एक तो PI का कफन हो गया और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर टाइची। तो मैं टाइची नाम उपयोग करना उचित समझूंगा कि जल्दी से बोल पाता हूँ। अब वैश्विक स्तर पर इसको बनाया काहे के लिए गया था, तो इसको थ्रिप्स के लिए बनाया गया था, लीफ माइनर के लिए, माइट्स के लिए और तंबाकू के जो कीट होते हैं, तंबाकू कीट के नाम से जाने जाते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जब हम मिर्ची से परेशान हो गए, मिर्ची में वायरस से परेशान हो गए, तो क्या करा लोगों ने, किसानों ने क्या करा कि एक बार इसका उपयोग करके देखा, तो उससे हमें बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि बनाया था उसको थ्रिप्स और इनके लिए, लेकिन वायरस को कंट्रोल कर दिया उसने। वायरस को कंट्रोल क्यों कर दिया? क्योंकि वायरस फैलने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो माइट्स की वजह से, सफ़ेद मच्छर की वजह से, और भी 2-3 कारण होते हैं। तो इसका जो दवाई था, वैसे इसको बनाया गया था थ्रिप्स के लिए, तो उसने थ्रिप्स को कंट्रोल किया, कहीं ना कहीं माइट्स को कंट्रोल किया और कहीं ना कहीं लीफ माइनर को कंट्रोल किया, और उसके बाद इसने सफ़ेद मच्छरों के लिए भी बहुत ही अच्छा, मैंने देखा जाए तो सफ़ेद मच्छरों द्वारा जो वायरस को फैलाया गया था, जो हाल मतलब नया जो वायरस डाले गए थे पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, उसको तुरंत नष्ट कर दिया। इसका जो मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, मतलब कि ये काम कैसे करता है, तो ये जो टोलनपाइराइड 15EC है ये काम कैसे करता है, ये 24 से 48 घंटे में जो वहाँ पर जीवाणु है, जो वायरस है, उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब कैसे ख़त्म कर देता है, ये उसकी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन और उसका भोजन दोनों को क्या करेगा, रोक देगा। इसका मात्र एक ही काम है कि उसका भोजन के परिवहन को, जो कोशिका में भोजन का परिवहन हो रहा है पत्तों में और ओटू में, ओटू का परिवहन हो रहा है, उसको क्या करेगा, उसको रोक देगा, और पत्तों में जो वायरस है उनको भी कहीं ना कहीं, जो वायरस है उनके ओटू को और ऑक्सीजन को रोक देगा, और 24 से 48 घंटे में अपने को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 24 से 48 घंटे में फ़र्क दिख जाएगा कि हाँ ये पत्ते सुधरने वाले हैं, लेकिन वायरस वाले पत्ते कभी सुधरते नहीं है, लेकिन जो नया पौधा आएगा, नए पत्ते आएंगे, वो पत्ते जो होंगे हमारे कुरकुरे होंगे, अच्छे सही होंगे। लेकिन गलती किसानों से केवल एक ही हुई कि टाइची का छिड़काव कर दिया एक बार और फिर लंबे समय बाद किया, क्योंकि बहुत ही महंगी वो मिलने वाली थी, बहुत महंगी मिल रही थी, 2300-2400 रुपये लीटर मिल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई जिन्होंने नए नए टमाटर नीचे लगाए वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे इनको, क्योंकि उनको बहुत ही खर्चा हो जाता है शुरू बार में, लेकिन इसने बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दिया है। तो ये जो किसानों ने कहा था कि टाइची काम कैसे करती है, बहुत का क्वेश्चन था कि ये तो माइट्स के लिए बनाई गई है लेकिन वायरस में उपयोग करा, तो क्यों करा? कारण ये था, इसको 6 से 7 चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, उसके कारण इसका जो असर था वो लगभग 60 से 70% तक रहा। 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा और वायरस कंट्रोल करने में मदद मिली। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। और भी 2-3 दवाइयाँ थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा फ़ायदा दिया है, तो उनके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।